बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया तो हजरत आज भी आपसे एक ऐसी नौीयत का सवाल पूछना है कि ये तो हम सब जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह नबी सारी इंसानियत के लिए तशरीफ़ लाए और आपने आकर कुरान सन्नत की मुकम्मल तालीम हमें दे दी हर तरह से हर पहलू को कवर कर लिया और सिखला दिया हमें और फिर उसको पढ़ने की भी अमूमी इजाज़त दे दी कि जो जितना चाहे पढ़ सकता है अपनी इस्तात के मुताबिक फिर तस्वफ़ के बारे में लोग ये सवाल करते हैं कि ये जो पीर लोग हैं ये जो इजाज़त देते हैं मुख्तलफ़ औरद वजाइफ़ की या सूरतें पढ़ने की या आयतें पढ़ने की इसकी क्या ज़रूरत बाकी रह जाती है जबकि नबी करीम सल्लम हमें खुली आप अमूमी इजाज़त दे के जा चुके हैं तो इसके बारे में रहना चाहिए अच्छा, अच्छा सवाल उठाया आपने पहली बात अमूमी इजाज़त दे दी है उसके बाद किसी खसूसी इजाजत की जरूरत नहीं है अगर कोई उसमी इजाजत पे पढ़ना चाहता है तो कोई माना नहीं करता बिल्कुल पढ़े ठीक है ना ठीक। और दूसरी बात यह कि जो पीरो मुर्शद आगे खसूसी जो इजाजत देता है असल में उसी वो नबी पाकल्लम की इजाज़त ही की रिनूवल होती है उसी की रिनूवल है अच्छा। क्योंकि नबी पाकसलम ने डायरेक्ट मुझे और आपको तो इजाजत नहीं दी आपने तो साहबी को इजाज़त दी होगी बिल्कुल सबी ने ताबी को दी ताबी ने तबाह ताबी को दी तबा ताबी ने आगे नतीजा के वो सारी सनहद चली आ रही यहाँ तक कि आपके पीरो मुरशद तक वो सनहद पहुंची बिल्कुल अब पीरो मरशद फिर अब आपको इजाजत दे रहा है तो ये शजरा जो होता है वो शजरा यही तो है तो वो इजाजत वही चली आ रही तो असल इजाजत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की है उसी की रिन्यूअल आगे चली आ रही है वास्ता दर वास्ता और वो इजाजत देते हैं जैसे अहदीस है हदीस की इजाजत जो है अब इमाम बुखारी ने अपने उस्ताद से ली उस्ताद ने उससे उस्ताद से नबी पाक तक पहुँचती है यहाँ तक कि आज शेखुल हदीस तक पहुँचती है तो असल इजाजत तो नबी की चली आ रही है लेकिन वो इजाजत वास्ता दर वास्ता किस वास्ते से आई है वो उसकी एक हैसियत है ठीक है ना अगर उस हैसियत को हटा दें तो फिर अथेंटिसिटी आपकी खुद मुतासर हो जाएगी ये तो आपकी अथेंटिसिटी बनाती है चीज़ क्या कि अगर पीरो मोशीद इजाजत दे रहा है इसका मतलब मुझे मेरे शेख ने दी उसे उसके शेख को दी याद ये शजर जो हम सुना रहे हैं आज मियाँ जी नूर मोहम्मद तक हम पहुंचे हैं वो उनसे लेके ऊपर नबी पाक पाकसल्म तक फोर्टी सेवन गाल वास्ते बनते हैं तो फोर्टी सेवन वास्तों से इजाजत चली आ रही है अब आगे इजाजत दे दी बिल्कुल ठीक है ना इसलिए ये इजाजत जो आम रूटीन के मुताबिक है कोई इसके खिलाफ नहीं है अगर ये बात होगी तो आपका डॉक्टर जो है अब डॉक्टर जो है वो इंसान जो है वो रेजिडेंसी करता है या हमारे मुल्क में हाउस जॉब करता है तो बड़ा डॉक्टर उसकी निगरानी में काम कर रहे हैं तो वो डॉक्टर आगे उनको कह के सर्टिफिकेट जारी करता है जी इन्होंने वैसा रेजिडेंसी की है और रेजिडेंसी का सर्टिफिकेट उसके लिए एक बड़ी वो, वो जो इजाज़त है उसके लिए अथेंटिसिटी है हैं क्योंकि उस डॉक्टर को अपने डॉक्टर से इजाज़त मिली है ऊपर से चला आ रहा है तो अगर वो ये कह गया उसकी इजाज़ उड़ता है इसलिए कि वोली सीना तो सबको मेडिकल साइंस की इजाज़त दे ही गया है बोली सीना की सारी मेडिकल सबके लिए खूलिया भाई ये डॉक्टर साहब की जा क्यों ले रहे हैं आप भाई उसी बोली सीना की मेहनत है उसके बाद आगे सारी चलेगी ना तो ये मेडिसन की सारी तो ये एक कावन सेंस है कि उसके तहत इजाज़ होती है इसका यह मतलब नहीं कि अब नबी ने कह दिया हाँ अगर कोई नहीं किसी से मददा ना मांगे नबी के उस हदीस के मुताबिक अमल करता रहे तो कोई बात नहीं हम उसको मना भी नहीं करते लेकिन इसके इससे जरिए से आपकी एक अथेंटिसिटी बढ़ती है सनद मजबूत हो जाती है दूसरी बरकत हासिल होती है अच्छा बरकत हासिल होती है कि आपको पता है वास्तव के साथ जब एक चीज आई तो वो जहर के सारे बुजुर्गों की रूहानी तवज्जो उनकी दुआ आपके साथ शामिल हो जाती है तो पढ़ने में जो बरकत और समरात है, वो मजीद बढ़ जाते हैं माशाल्लाह इसलिए ले लेते हैं माशाल्लाह माशा खैर बहुत शुक्रिया बड़ी खूबसूरत रहनुमाई रहन माशाल्लाह